Okay, dears, today we are going to study about Shakespeare, the most important writer, dramatist, poet. He was not much. Sorry. So today we are going to talk about William Shakespeare. So we will talk about him, and see the Stratford upon Avon, Stratford on Avon. So guys, actually these three things which I want to clear to you. Hello. Okay. So dear, today I am going to teach you about William Shakespeare, his most famous dramatist of the world. Okay. So first of all, I will clear the confusion. Okay. Between these both of the words, Stratford upon Avon and Stratford on Avon. And after that, I will also talk about the Bard of Avon. See, dear friends, actually, if I talk, first of all, I want to clear, because this is a common word. Okay. Among these three. Avon actually एक river है वहाँ पर around 91 किलोमीटर लंबी, और ये जो river है इसी को Avon कहते हैं. सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं. बार्ड का मतलब कवि होता है, पोएट होता है. तो मतलब Avon जो मतलब जो नदी वहाँ से निकलती है उसी के कारण Avon वर्ड यूज हुआ है. तो जो Avon नदी या उसके वहाँ के जो कवि हैं, बार्ड है, बार्ड मीन्स कवि. तो बार्ड ऑफ Avon मीन्स जो Avon नदी है उसके नज़दीक में इनका रेसिडेंस था, उनके आसपास इनका जो क्षेत्र है Avon नदी का, उसी के आसपास इनका रहना हुआ करता था. तो इनको बार्ड ऑफ Avon भी कहते हैं. ये क्लियर हो गया आपका एक पॉइंट, बहुत सिंपल सा है. Avon इज रिवर. अब मेन चीज़ यहाँ आती है कि अपॉन और ऑन, ये दोनों चीज़ें सही है. अब यदि हम बात करते हैं सबसे पहले, तो ये तो एक नदी है Avon. एक्चुअली इफ आई टॉक अबाउट दिस Stratford अपॉन Avon, तो ये एक्चुअली एक टाउन है. Stratford upon Avon, this is a town, okay. और ये जिस district में town आता है, this is, ये जो जिसमें आता है उसका नाम है Stratford on Avon. Please remember, Stratford upon Avon is a market or town, okay. It comes under the district Stratford on Avon. Please remember, there is a very big confusion, okay. That बहुत सारे लोगों को confusion है कि Stratford upon Avon और Stratford on Avon, इन दोनों में से हम क्या लिखें. दोनों सही है. ये वो market है, वो जगह है जहाँ पर वो उनका जन्म हुआ है, और ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंतर्गत ये जगह आती है. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू शुड नो एंड क्लियर ऑल्सो, क्योंकि इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज होते हैं. बार्ड ऑफ Avon का बात करें तो जो उस जो Avon नदी है उसके वहाँ उसके आसपास का जो एरिया है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था. तो इसे बार्ड ऑफ Avon, बार्ड मीन्स कवि होता है. तो ये एक पॉइंट था जो आपको मुझे क्लियर करना था. अब हम आगे बढ़ते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम इनके बारे में जान लेते हैं, सो दैट वी कैन क्लियर, ओके. क्योंकि कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं इनके बारे में. तो Stratford on Avon ये क्लियर हो चुका है. और इनकी मदर का नाम जो है मेरी अर्डेन था, वो कोई मतलब नहीं. इनके बारे में ये कहा गया था कि शेक्सपियर नो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक.
ये इनके बारे में कहा था कि वो थोड़ी लैटिन जानते थे और कम ग्रीक जानते थे. ओके सो इट वॉज सेड अबाउट हिम स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक. ओके ये इनके बारे में कहा गया था. इनकी जिनसे शादी हुई थी एनी हैथवे थी. इनके वाइफ का नाम एनी हैथवे था एंड ये 18 ईयर्स थे तो इनकी 26 ईयर की एज. शेक्सपियर 18 ईयर्स थे और ये इनसे 8 साल बड़ी थी जो 26 ईयर की थी. तो एनी हैथवे इनसे ज़्यादा बड़ी थी 8 साल की. आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यदि एक इसमें आ सकता तो वह है 1592 to 94 इस बीच में वापस लंदन के जो थिएटर्स थे वो बंद हो चुके थे और इसका कारण था वहाँ पर प्लेग का आ जाना. जो प्लेग आ गया था और उसी के कारण वहाँ पर बिटवीन 1592 to 94 ओके ये जो कारण था इसका कारण था एपिडेमिक्स ऑफ प्लेग. और ध्यान रखिएगा इसके कारण बंद हुआ था. इसी प्रकार एक 1642 में जो आप ये मान के चले कॉमनवेल्थ का टाइम आने वाला था चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे, तो 1642 में लंदन के पूरे थिएटर से बंद करवा दिए गए थे. तो सबसे इम्पोर्टेंट घटना तो ये 1642 में बंद हुए थे लंदन के टोटल थिएटर्स. ओके चार्ल्स फर्स्ट के शासनकाल में, क्योंकि जो वहाँ के लोग पब्लिक थी वो उन्होंने बोला था कि इमोरलिटी फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं अनैतिकता फैला रहे हैं, वल्गरिटी फैला रहे समाज में, इसलिए 1642 में सारे थिएटर से बंद कर दिए थे, जला दिए गए थे. लेकिन इसके बाद 1592 में फिर से थिएटर बंद हुए थे और उसका कारण प्लेग था, ध्यान रखिएगा. तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था. इसके बाद द ग्लोब थिएटर में ये शेयर होल्डर थे. द ग्लोब थिएटर में इनका खुद का भी एक मतलब शेयर था, उनका एक हिस्सा था. तो द ग्लोब थिएटर में ये शेयर होल्डर रहे. ये कुछ छोटी छोटी जानकारी, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात के ऊपर आऊँगा, तो ध्यान रखिएगा. 1592 to 94 में एक प्लेग के कारण ये बंद हुआ था. एनी हैथवे से इनकी मैरिज हुई थी. स्मॉल लैटिन और ग्रीक लेस ग्रीक इनके बारे में कहा कि इतना जानते थे. अब महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि इन्होंने टोटल हाउ मेनी प्लेज लिखे हैं. तो 37 प्लेज लिखे हैं इन्होंने और 154 टोटल इन्होंने सोनेट्स लिखी है. टोटल 154 में से 126 है ये इन्होंने इनके फ्रेंड WH करके लिखी है उनके लिए. 26 डार्क लेडी के लिए लिखी है. एनी यहाँ हम यदि बात करें तो ये जो दो पोएम की बात कर रहे हैं ये मतलब किसके लिए लिखी है क्लियर नहीं है. लेकिन इनके एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके बारे में जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको जानना ज़रूरी है, कि इनकी टू नेरेटिव पोएम्स हैं और उनका नाम जो था वो ध्यान रखिएगा. एक है विनस एंड एडोनिस और दूसरी है ल्यूक्री. ये ध्यान रखना है टू नैरेटिव पोएम कभी हो सकता पूछ लिया जाए. इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण आगे की इनके बारे में जो मेन चीज़ है, इनकी जो ट्रेजेडी है जो बहुत फेमस ट्रेजेडी है HOKM हैमलेट ओथेलो किंग लियर और मैकबेथ. ये इनकी ध्यान रखना जो ट्रेजेडीज़ हैं ये फेमस ट्रेजेडीज़ हैं इनकी और इनका क्रम यही था. सॉरी इसमें मैंने एक मिनट बेथ BETH. तो एक्चुअली सबसे पहले इनका जो वर्क था मतलब यदि ट्रेजेडी की हम बात करें तो हैमलेट था. और इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ट्रेजेडी मतलब इनको हम HOKM के नाम से याद करते हैं. एक के बाद एक्चुअली दे आर द सीक्वेंस. ओके तो फर्स्ट हैमलेट के बाद आई इनकी ओथेलो HOKM एच मीन्स हैमलेट, ओ मीन्स ओथेलो, के मीन्स किंग लियर एंड एम मीन्स मैकबेथ. तो ये इनकी चारों ट्रेजेडीज इनका पूछ लिया था कि इनका क्रम क्या है. तो एक्चुअली यू टू पुट ओके दिस ऑल द ट्रेजेडी इन दिस HOKM हुक आई हैव
मैट्रिक, ओके, इन द शॉर्ट फॉर्म हुक्म, ओके। देन अब हम इनके कुछ और चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा हमारा लेक्चर बहुत इफेक्टिव होता जाएगा। यहाँ पर हम यदि बात करते हैं तो इन्होंने एज यू लाइक इट बहुत सारे पॉइंट है, अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा क्लियर होता जाएगा आपको। एज यू लाइक इट में दो बहुत फेमस लाइन है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली एक ब्लो ब्लो डाउ विंटर वीन, ब्लो ब्लो डाउ विंटर वीन डाउ आर्ट दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड। Not unkind as man's ingratitude. Blow, blow, blow means बहना, blow, blow thou winter wind है हवा या जो air बहती है, blow होती रहती है, हल्की हल्की सी जो हवा बहती रहती है, बहती जाओ thou art not so unkind, जो art होती है कला होती है वो कभी इतनी unkind नहीं होती है, और एज मीन्स इनग्रेटिट्यूड जितना कि इंसान हो सकता है। तो ये एजू लाइक इट में कहती है, ये पोएम बहुत फेमस है, सॉरी ये लाइनें बहुत फेमस है जो पूछी गई है कई बार एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बहुत फेमस लाइन जो यहाँ पर है वो है स्वीट स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी स्वेट सॉरी स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी विच, ये लाइन बहुत फेमस है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द फिश लाइक द टोड अगली एंड वेनमस, मतलब स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी में ही आपको स्वीटनेस के मजे आएंगे। इट मीन्स आपको किसी चीज़ का आनंद तभी आ पाएगा जब आपने उसका दुख देखा हो, जब कई परेशानी के बाद आपको कोई सी चीज़ मिलती है तो उसका एक अलग ही आनंद आता है। तो यह बोलते हैं स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, मतलब एडवर्सिटी का भी बहुत अच्छे यूजेज हो सकते हैं, जिसके बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं, जिसको जिसमें हमें उसके बाद जब वो एडवर्सिटी के बाद हमें जो कुछ मिलता है उसका एक अलग ही आनंद होता है और उसका एक अलग ही मजा होता है। तो ये दो लाइन जो है एज यू लाइक इट की बहुत फेमस है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन्स आएंगी वो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वो हेमलेट की रहेगी। ये केवल मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये कौन से वर्क से है। दूसरी जो है इनकी हेमलेट से बहुत सारी लाइनें हैं, हेमलेट से बहुत सारी इनकी लाइनें हैं, फेमस लाइनें हैं जो, तो वो ध्यान रखिएगा। बहुत आई एम पी लाइनें हैं, नाइदर नाइदर बोरो और ना तो मांगने वाला बनो, नॉर अ लेंडर ना देने वाला बनो, नॉर लेंडर सॉरी आ लगा देना, ना तो किस क्योंकि नॉर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना तो हमें किसी को कुछ ना तो किसी से कुछ लेने वाला बनना चाहिए ना किसी को देने वाला होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थिति में कहीं ना कहीं हमारा जो मतलब व्यवहार है वो परेशानी में पड़ सकता है। तो नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना तो हम बोरोवर बने ना एक लेंडर बने, एक्चुअली होना तो ये चाहिए था नाइदर बी अ बोरोवर नॉर अ लेंडर, लेकिन ये ऑथर की एक क्वालिटी होती है कि वो उसके सेंटेंस को इस तरह से लिखता है कि जिसके कारण उसकी लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज से डिफरेंट दिखे। आप देखिएगा सेंटेंस को, इसमें बी लास्ट में यूज हो रहा है, तो ये इसी यही कारण रहता है कि जो ऑथर होते हैं जो राइटर होते हैं पोएट होते हैं उनकी जो लैंग्वेज वो हमसे एकदम डिफरेंट और यूनिक रहती है। ये बड़ा सेंटेंस बहुत ही काम का है और बहुत ही एग्जाम में आया है, बहुत ज्यादा है। फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन,
ये हेमलेट ने कहा था उसकी मम्मी के बारे में, जब उसे पता लगा था तब कि फ्रेलिटी मीन्स बेवफाई, फ्रेलिटी दाय नेम इज़ वुमेन, मतलब फ्रेलिटी मतलब बेवफाई ही का मतलब नेम ऐसा बोला था, दाय नेम इज़ वुमेन। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रेलिटी दाय नेम इज़ वुमेन, तो थोड़ा सा आप कुछ समझ लीजिएगा इसका मतलब क्या हो रहा है। ओके, एक्चुअली इसकी मॉम के बारे में उसने कहा था कि बेवफाई, दाय नेम इज़ विमेन, ये उसको जब पता लगा था देन उसने कहा था कि महिला पर आप मतलब सर, मतलब कुछ महिलाओं पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, कि वो उसके पिताजी को धोखा देती है और उसके जो अंकल होते हैं क्लाउडियस उसके साथ उनके संबंध रहते हैं, तो वो तब जाकर बोलती है कि जो इतना अच्छा से अपने पति के सामने दिखावा करती थी वैसी नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने बोला था हेमलेट ने, उनका लड़के हेमलेट का लड़के का नाम भी हेमलेट था, तो जो लड़का हेमलेट है जब उसके पिता की डेट हो जाती है तब उसको जब पता लगता है उसकी माँ के इलीगल अफेयर के बारे में विथ हर विथ हिज अंकल, देन ही सेज अबाउट दिस फ्रेलिटी दाय नेम इज विमेन। अगला बहुत अच्छा एक सेंटेंस है, आया नहीं है ज़्यादा लेकिन इसे बोला जरूर जाता है, ब्रेविटी बहादुरी इज द सोल ऑफ विट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, बुद्धिमान लोगों की जो सॉल है वो ब्रेविटी होती है। बहादुरता मतलब जब आप में कॉन्फिडेंस होगा, किसी भी चीज़ की बहादुरी होगी तो निश्चित तौर पे आप किसी भी कार्य को बहुत शानदार तरीके से करेंगे, तभी आप अपनी वीट का पूरा यूज़ कर पाएंगे। इसी को हम ये बोल सकते हैं कि बगैर मतलब जो रिस्क लेने की क्षमता है वो बहादुरी, बहादुर लोगों में ये क्वालिटी होती है ब्रेविटी, और इसी कारण रहता है कि वो लोग अपनी जो विट है उसका पूरा यूज़ कर पाते हैं। अगला जो सेंटेंस, अगला जो लाइन है हेमलेट की, देर इज़ नथिंग आइदर गुड आर बेड, बहुत वेरी वेरी फिलोसॉफिकल लाइन, देर इज़ नाइदर गुड, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so, बहुत अच्छी चीज है, thinking makes it so, बहुत बड़ा philosophical थॉट है इसमें कि देर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं होता है, बट थिंकिंग मेक्स इट सो, केवल आपका विचार ही है जो आपको अच्छा या बुरा महसूस करवाता है। जो चीज आप बुरी मान रहे हो उसी को कोई ना कोई बहुत अच्छी भी मानता है। यही कारण है कि दुनिया की ऐसी कई सारी चीजें जो सबको पता है कि इस चीज से हमें साइड इफेक्ट होंगे, ये चीज नुकसानदायक है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उसका यूज करके आनंद लेते हैं। इट मीन्स ये आपकी सोच है कि आप किस चीज़ को बेहतर मानते हो और किस चीज़ को बेहतर नहीं मानते हो। आपकी जो थिंकिंग है, यदि आपका, इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि आपका आपके विचारों पर नियंत्रण है, आपके मन पर नियंत्रण है, तो आप मतलब आप अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन हमारा हमारे विचारों पर नियंत्रण नहीं है, हमारे मन पर नियंत्रण नहीं, इसलिए हम कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। और जो ये फिलोसॉफी समझ गया, जो अपने मन पर या विचारों पर नियंत्रण करना सीख गया, वो हर परिस्थिति में सम रह सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो है वो नेगेटिव चीज़ को भी बहुत पॉजिटिव वे में लेकर उससे कुछ सीख सकता है, और जो पॉजिटिव चीज़ है उसको तो आनंद लेगा ही लेगा। इसीलिए जो महान पुरुष है उनको इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब विचारों का खेल है और वो विचारों के ऊपर कंट्रोल करके रखे थे, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो यही कही मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट में, उसका जो शैतान है वो जो कहता है, तो वही कहता है कि भाई आपका माइंड ही तो है जो हेल को हेवन और हेवन को हेल बनाने का काम कर रहा है, नर्क को स्वर्ग और स्वर्ग को नर्क बनाने का काम कर रहा है। मतलब कुछ लोगों के पास सब कुछ है फिर भी सुकून नहीं है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी सुकून है। इट मीन्स आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। तो डियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, आपका विचार इसको अच्छा या बुरा बनाता है। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इनसे सीखने की भी चीजें हैं। हेमलेट बहुत अच्छा प्ले है। अगला इनका जो है, टू बी
or to be or not to be, that is the question. That is the question, whether it is nobler in the mind. बड़ी लाइनें हैं, केवल इतना बोल देता हूँ, इनकी यही लाइन महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़्यादा यही लाइन आती है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन. है या नहीं, होना है या नहीं होना है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि है कि नहीं है. ओके, तो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन. वेदर इट इज़ नोबलर इन द माइंड टू सफर द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउट रेजियस फॉर्चून are to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. केवल आपका इतना पूछा जाएगा, to be or not to be, that is the question. Line is taken from which one play drama of Shakespeare? या ये किसकी लाइन है, who is the writer of these lines, of this line, तो उसका आंसर होगा शेक्सपियर. ये शेक्सपियर के हैमलेट से ली गई है. इसके बाद यही ये आपका शेक्सपियर का हेमलेट वाला ख़त्म होता है. नेक्स्ट अब हम इनका जो ड्रामा है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा. एंटोनी एंड, ये लाइन महत्वपूर्ण इसलिए बता दूँ, इसके बाद बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके बहुत काम के हैं. इन्होंने ये क्लियोपेट्रा के बारे में कहा था, एज के नॉट, ये लाइन आई है भैया, एज कैन नॉट, एज कैन नॉट विदर हर. उम्र का मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ सकता, उम्र उसको मतलब उसका उम्र के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियोपेट्रा इतनी सुंदर थी, नॉर कस्टम स्टेल, ना कोई रीति रिवाज या चीज़ें उसको पुरानी बना सकते हैं. हर इनफाइनाइट वेराइटी, एक्चुअली दिस लाइन वॉज सेड अबाउट क्लियोपेट्रा की उसके ऊपर उसको उम्र कभी मुरझा नहीं सकती, उसकी सुंदरता को कम नहीं कर सकती, वो इतनी सुंदर थी किसी चीज़ का उसकी सुंदरता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ सकता. और यही कारण था कि एंटोनी उसके बारे में बोलता है, एज के नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी. तो ध्यान रखिएगा एक ही लाइन है, बहुत फेमस है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की. नेक्स्ट है, ये एक ही लाइन है जो एग्ज़ाम में आई है. और इसके बाद हम अगला जाते हैं किंग लेयर. किंग लेयर की लाइन है, बहुत फेमस है, ये भी एक ट्रेजेडी थी, ठीक है. इसमें है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, बहुत अच्छा, कुछ नहीं से कुछ नहीं होगा. नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं मिलना, तो नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कुछ नहीं का कुछ नहीं होता है. नथिंग विल कम, नथिंग का परिणाम नथिंग ही होगा, जीरो का परिणाम जरूर जीरो ही होगा. हैव अ सर्पेंट देन अ सर्पेंट टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड. एक ये भी उन्होंने कहा था, हाउ शार्पर, जब उनकी जो लड़की है, तीन लड़की थी, तो जब एक लड़की उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसने उनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे थे प्रॉपर्टी लेने के लिए, जब उनको रियलिटी पता लगती है तो उनको बड़ा दुख होता है किंग लेयर को, और वो ये सेंटेंस बोलते हैं, हाउ शार्पर देन अ शार्पेंट टूथ इट इज टू Have a thankless child. माँ बाप जिन बच्चों को बहुत प्यार से बड़ा करते हैं, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ बाप को बहुत बुरी तरह से परेशान करता है या उनको ठेस पहुँचाता है, तो इसी प्रकार किंग लेयर की लड़की है, जिसको प्रॉपर्टी जब तक नहीं मिलती, अपने पिताजी की बहुत ज़्यादा चापलूसी करती है, ऑयली टंग यूज़ करती है, और जब पिता बुजुर्ग हो जाता है और जब अपनी लड़की के यहाँ जाता है, तो वो उसके साथ बहुत बैड बिहेवियर करती है,
तब उसका पिता बोलता है, किंग लियर कहता है, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट टूथ इट इज, ये तो जो सांप का जो दांत रहते हैं उससे भी ज्यादा जहरीली टंग का यूज कर रही है। टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, इस तरह के बच्चे जो मतलब इनग्रेटिट्यूड वाले हैं, इस तरह के बच्चों का क्या फ़ायदा। अगली बात है, ध्यान रखिएगा, आई एम ए मैन, ये इसी का कहना था, इसको बड़ा दुख होता है जब किंग लेयर को जो परेशानियां होती है उसको इधर दर दर भटकना पड़ता है, तो तब जाकर वो ये सेंटेंस बोलता है, आई एम अ मैन मोर, I am a man more sin against than sinning। मतलब मुझे जितना परेशान, मैंने जितना कर पाप किया, सीन मतलब पाप, उससे भी ज्यादा मुझे पाप की सजा मिली है। आई एम ए मैन मोर सीन अगेंस्ट देन सिनिंग, मतलब उससे भी कई गुना ज़्यादा मुझे सजा मिली है, ये उन्होंने कहा था। एक ये भी इनका बहुत फेमस सेंटेंस है, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉय आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो ये भी एक बहुत फेमस लाइन है कि एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉय आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स, मतलब कुछ नहीं, हम तो भगवान के लिए एक ऐसी चीज है जिनके साथ भगवान खेलता रहता है। इस तरह की जब उनके बच्चे परेशान करते किंग लियर और लड़कियों से परेशान हो जाते दामाद, ये एक और उसमें कैरेक्टर रहता है, आई एम मिसिंग द नेम, जब उनका लड़का उनको परेशान करता तो वो कहता है कि हम तो एक मतलब एक बच्चे एक गॉड के लिए खिलौने की तरह जिनके साथ वो खेलता रहता है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हमारी डेस्टिनी हमसे ये सब चीज़ करवा रही है। एक देखो बहुत अच्छा थॉट आ रहा है, लाइन आ रही, सॉरी, इट इज़ द स्टार्स दैट अबव अस गवर्न आवर कंडीशंस, ये तो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं जो हमसे ये सब करवा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है इसमें। इट इज़ द स्टार्स दैट स्टार्स अबव अस गवर्न आवर कंडीशंस। इसके बाद ठीक है, इसके बाद एक बहुत अच्छे इनके बारे में क्रिटिक ने एक बहुत अच्छे विचार किए थे, इनकी फेमस लाइन है, और भी जो फेमस लाइन होगी आई विल टेल यू लेटर ऑन, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है शेक्सपियर और इनके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है। आगे इनके ऊपर एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो कहा था ये अदर्स, ये क्वेश्चन कई बार आया है, अदर्स अबाइट आर क्वेश्चंस, अदर्स अबाइट आर क्वेश्चंस दाओ आर्ट फ्री। वो कहते हैं अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, ये कौन ने कहा था, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था, किसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में, कि भैया हम जितने भी दूसरे लेखक या पोएट है उन सबके वर्क के बारे में क्वेश्चन उठा सकते हैं लेकिन शेक्सपियर के बारे में हम कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, वो फ्री है इन सारे लोगों की तुलना में। ओके, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, दूसरे लोगों के हम क्वेश्चन लगा सकते हैं उनके वर्क के ऊपर, दाउ आर्ट फ्री, लेकिन इनकी जो कला है, इनकी जो आर्ट है, वो इन सारी चीज़ों से परे है, इन सारी चीज़ों से ऊपर है, जिनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। इतने ज़बरदस्त एक दुनिया के जाने माने ऑथर रहे हैं और यही कारण रहा है कि उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाया, और आज तक भी दुनिया के बेस्ट, जो आप ये मान के चले ड्रामेटिस्ट या एक ऑथर माने जाते हैं, इसलिए आज इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनको लोग, इसीलिए ड्राइडन ने उनको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल भी कहा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेने के लिए, डियर्स, ठीक है, देखिएगा, शेक्सपियर हैड नो प्री कंसीव्ड कंसेप्शन, इनके पहले कोई ट्रेजेडी का इनके पास कोई विशेष कंसेप्शन नहीं था, लेकिन इन्होंने एरिस्टोटल की जो ट्रेजेडी का कंसेप्ट लिया है ना, एरिस्टोटल की ट्रेजेडी जब हमने आपको क्रिटिसिज्म पढ़ाया था उसमें बताई थी, और भी जब हम वापस रिपीट करेंगे क्रिटिसिज्म तो उसमें बताएंगे, तो उसमें तीन यूनिट्स थी, टाइम प्लेस और एक्शन, टाइम प्लेस
और एक्शन, एक तो एक्शन होना चाहिए, प्लेस एक ही या खूब से खूब दो जगह, खासतौर से एक ही जगह में होना चाहिए, 24 आवर्स में वो चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, जगह भी एक ही होना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा, और एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो 3 यूनिट्स कहलाती है, TPA बोलता हूँ जिसे मैं, टाइम प्लेस एक्शन, TPA, टाइम प्लेस एक्शन, 3 थ्योरीज थी इनकी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो इन्होंने एरिस्टोटल और कुछ और ऑथर्स से, इनके पहले जो थे उन सब से ट्रेजेडी का कंसेप्ट लिया, और इसके बाद उनके आधार पे इन्होंने अपनी ट्रेजेडीज लिखी थी, और ये बहुत, इनकी जो ट्रेजेडी बहुत फेमस है इवन टिल टुडे, आज हम फिल्मों के रूप में इनकी ट्रेजेडीज के ऊपर जो फिल्म बन रही है उनको भी देख रहे हैं। तो ही टुक टू राइटिंग हिज ट्रेजेडीज, ही हैड ऑफ कोर्स बिफोर हिम एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी एंड ऑल्सो द मॉडल्स ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज रिटन बाय द ग्रेट ग्रीक ड्रामेटिस्ट लाइक यूरिपाइड्स, एस्किलस एंड सोफोक्लस। इन सब की जो, तीनों ग्रीक के जो फेमस थे, इनकी जो ट्रेजेडी थी उन्होंने उनसे भी लिया था, और उनके शेक्सपियर का इतना ज़्यादा फेमस होने का कारण ये था कि उन्होंने सबके कंसेप्ट लिया था, लेकिन हीज ओन कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ, इन्होंने खुद जिंदगी, जो इन्होंने कैरेक्टर लिखा है उसको खुद को जिंदगी में ऑब्जर्व किया गहराई से, और गहराई से ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज़ को अपने अंदर उतारा, उस पर अच्छे से एनालिसिस किया, और इसके बाद उस वर्क को लिखा है इन्होंने। उस जब किसी वर्क को लिखते थे तो उसको जीते थे, उस वर्क को उसमें इतना खो जाया करते थे, ओके, इट्स ग्रैंडियर, इट्स मिस्ट्री एंड टेरर, वो सारी चीज़ को महसूस करते थे। तो ये एक ऐसे थे, इनकी जो थीम है उसमें जो ट्रेजेडी वाली है उसमें हमेशा खून खराब आपको मिलेगा, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है उसमें मेलोडर्मा मिलेगा, मेलोडर्मा का मतलब इसमें खून खराबा, डर, ये सारी चीज़ इसमें आपको मिलेगी। तो इस तरह की ट्रेजेडी थी, मैडनेस देखने को मिलेगा इसमें, सेमी मैडनेस मिलेगी, जैसे कि हेमलेट की आप देख रहे हैं, पागलपन दिख रहेंगे, टेरर दिखाई देगा आपको, ये सारी चीज़ आपको इसमें मिलेगी, घोस्ट मिलेंगे देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे सीन देखने को दिखाई देंगे जो बहुत हॉरर सीन रहेंगे, बहुत डरावने सीन रहेंगे, स्केरी सीन रहेंगे, ये सारी चीज़ रहेगी। और साथ ही साथ इनका जो हीरो होता है वो स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट से गुजरता है, स्पिरिचुअल मीन्स उसके मतलब माइंड और सॉल के बीच में हमेशा कंफ्लिक्ट चलता रहता कि क्या करूं, ये करूं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिसके कारण वो घटनाएं घट जाती है जिसके लिए उतना बड़ा वो अपराध नहीं करता, लेकिन उससे बड़ी उसके जो हीरो रहता उसको सजा मिलती है इसके ट्रेजी के। अच्छा, इनके जो ट्रेजेडी है उसमें सारे के सारे जितने भी जो मेन रोल अदा किए गए हैं उसमें सबसे प्रभावशाली जो रोल अदा किया है वो हीरो ने किया है, जबकि आप कॉमेडी में जाएंगे तो वहां पर हीरोइन सबसे प्रभावशाली रही है। और इसलिए जॉन रस्किन ने कहा था कि देयर इज नो हीरो इन द वर्क्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर की कॉमेडी में हीरो का रोल उतना दमदार नहीं जितना हीरोइन का, भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हम ट्रेजेडी की बात करें तो उसमें सबसे इन्फ्लुएंसिव जो रोल रहा है वो रहेगा हीरोज का, देख लीजिएगा भले कोई सा भी। तो द ट्रेजिक हीरो, द शेक्सपियर ट्रेजेडी इज प्राइमरली एंड सेंट्रली द लाइफ स्टोरी ऑफ द ट्रेजिक हीरो, इसमें जो स्टोरी होती है, ये जो ट्रेजेडी घटती है वो उनके हीरो के कारण घटती है। यहाँ पर जो हीरोइन है वो सब ऑर्डिनेट रोल में रहती है, सेकेंड नंबर पर रहती है, तो ये केवल उसका मतलब सपोर्ट करती है, लेकिन मेन जो रोल होता है वो हीरो का होता है। शेक्सपियर से हीरोज वन एंड ऑल आर मेन ऑफ हाई एमिनेंस एंड नोबिलिटी, जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा था कि जो हीरो होता है बहुत हाई क्वालिटी का, बहुत हाई कैरेक्टर का होना चाहिए, हाई डेजिग्नेशन का होना चाहिए, और वो सारी चीज़ें इसकी हुआ करती थी, जैसे कि किंग्स, प्रिंसेस, जनरल्स, ये सब हुआ करते थे। लियर इज़ द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आपको पता है किंग लियर जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन के राजा थे। हैमलेट की बात करें तो वो डेनमार्क के प्रिंस थे। यदि हम इसी तरह ओथेलो की बात करें तो एक बहुत जाने माने वॉरियर थे, और यदि इसी प्रकार हम बात करते हैं मैकबेथ की तो वो भी स्कॉटलैंड के एक जनरल थे। मतलब कुल मिला कि ये सारे के सारे लोग एक बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग थे, और यही कारण है कि जब इन लोगों का फॉल होता है छोटी गलती के कारण, जब इनकी इनको सजा इनके कर्मों के से ज़्यादा इनको मिलती है, जितना उन्होंने कर्म किया था उससे कई गुना बड़ी उनकी सजा मिलती है, तो लोगों को बहुत दुख होता है। और यही एरिस्टोटल ने कहा था कि जब भी मतलब पीटी एंड फियर क्रिएट होना चाहिए। ट्रेजेडी कब सक्सेसफुल होगी? जब पीटी, दया, आपका जब हीरो के साथ, जब आपका हीरो मरता है तो आपको दया होती है, आपको उसके साथ सैम्पैथी जगती है,
आप अपने हीरो को कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं जिससे कि वो दुखद स्थिति में, और पीटी और फियर, फियर मतलब जब उसको कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला रहता है विलन, तो वो नुकसान पहुंचाने वाली जो इसके पहले की जो स्थिति है, और जब आप जो विलन है उसके द्वारा जो प्रिपरेशन देखते हैं विलन की कि वो किस तरह उसको नुकसान पहुंचाएगी, वो आपके अंदर फियर क्रिएट करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो फेवरेट हीरो है उसके ऊपर अटैक करे और वो उसमें मर जाए, और जब वो हीरो मर जाता है उसके या कुछ भी उसके साथ गलत हो जाता है तो लास्ट में आपको उसके ऊपर दया आती है, आप उसके, आपकी सेम्पैथी उसके साथ जुड़ जाती है। तो एरिस्टोटल ने कहा था कि किसी भी सक्सेसफुल ट्रेजेडी का मुख्य कारण उसमें ये चीजें आना चाहिए, अराउज होना चाहिए ऑडियंस में, वो होना चाहिए पीटी और फियर की भावना या इस तरह की चीजें उसके दिमाग में डेवलप हो जाना चाहिए ये चीजें। तो इसके जो हीरो थे उसमें मतलब जब हीरो का ट्रेजिक फॉल होता था तो उसमें पीटी और फियर दोनों वाली चीज जागृत हो जाया करती थी ऑडियंस में इनके कारण। तो इनमें अब ये जो एक ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं जिसे या फेटल फ्लॉ कहते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ मतलब इनकी कोई छोटी सी एक गलती हुआ करती थी और जिसका बहुत बड़ा इनको परिणाम, मतलब बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था, इसका बहुत डेंजरस परिणाम निकलता था जो इनको मौत के रूप में चुकाना पड़ता था, ये इनका ट्रेजिक फ्लॉ होता था। और ये इसी ट्रेजिक फ्लॉ, जैसे हम फॉर एन एग्जाम्पल की बात करें कि यही वीकनेस उनके दुख का कारण बनती थी, जैसे कि हम शेक्सपियर की बात करें तो उनका प्रोकास्टिनेशन या समय पर डिसीजन नहीं ले पाना, हम यदि किंग लियर की बात करें तो उनका जो इनग्रेटिट्यूड बिहेवियर है कि वो चापलूस थे, फ्लेटरशिप, ऑयली टंग को ज़्यादा महत्व देते थे, हम यदि ऑथेलो की बात करें तो उसका जो सस्पिशियस जो बिहेवियर था, जो डाउट करता था उसकी वाइफ डेस्डिमोना के ऊपर, वो उस तरह रहा तो उसके उसके शक के कारण ही वो उसको मार देता है जो ट्रेजेडी का कारण बनता है। तो कहीं नहीं, इसी प्रकार मैकबेथ की बात करें तो उसका जो एम्बिशन था, जो एम्बिशियस बिहेवियर था उसका, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है कि शेक्सपियर का प्रोकास्टिनेशन, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, चीज़ों को टालते रहना, मैकबेथ का एम्बिशन, इसी प्रकार किंग लेयर का इनग्रेटिट्यूडनेस या फ्लेटरशिप को ज़्यादा पसंद करना, और यदि हम और भी लोगों का देखें, ओथेलो का जो सस्पिशियस या डाउट वाली स्थिति थी, तो ये ट्रेजिक फ्लॉ था जिसके कारण इन सब लोगों को डेथ मिली। इसमें फेट एंड सुपरनेचुरल पावर, जब ऐसा नहीं रहता शेक्सपियर के जो भी ड्रामा है, ट्रेजेडी है, उसमें आप ये मान के चले डेस्टिनी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, किस्मत का बहुत बड़ा रोल रहा है, और सुपरनेचुरल पावर ने भी जो आपके मतलब कहीं ना कहीं जो सुपरनेचुरल पावर है उन्होंने इंटरफेयर किया उस व्यक्ति के, उसको मतलब ये मान के चलो कि उसकी डेथ तक पहुँचाने में, इस ट्रेजेडी को सक्सेसफुल बनाने में। इसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट, जिसके जो हीरो रहते हैं वो हमेशा ही अंदर की लड़ाई और बाहर की लड़ाई लड़ते रहते हैं, बाहर की लड़ाई वो दुश्मनों से लड़ते रहते हैं जो उनके अगेंस्ट है, लेकिन अंदर से भी वो व्यक्ति खुद से लड़ाई लड़ता रहता है, उसके माइंड, उसके मस्तिष्क और आत्मा के बीच में हमारी हमेशा लड़ाई चलती रहती थी, माइंड एंड सॉल के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती, जो इंटरनल लड़ाई होती है, और इसी कारण ये लोग बड़े बहुत ज़बरदस्त लेवल के योद्धा होते हैं, बहुत दमदार होते हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल लोगों से इसलिए हार जाते हैं क्योंकि इंटरनली पूरी तरह खुद के साथ नहीं होते। और दुनिया में भी यहीं से हम एक कंसेप्ट ले सकते हैं कि इंसान अपने खुद के कन्फ्यूजन के कारण बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है, जिस इंसान के जितने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर है वो लाइफ में उतना अच्छे से एक्सटर्नल चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता रखता है, और जिस व्यक्ति के जितने ज़्यादा इंटरनल कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो एक्सटर्नल चीज़ों को उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। यदि हमें बहुत आगे बढ़ना है तो हमें अपने इंटरनल कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर हम एक्सटर्नल बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसके जो हीरो थे अक्सर वो कन्फ्लिक्ट में जिया करते थे, और यही कारण रहा कि ये जो इनको हीरो हैं वो परेशानी का कारण बने। जैसे कि मैकबेथ ने कहा था बेटर बी विद द डेड, वो इतनी ज़्यादा एम्बिशियस थी कि उसको जो चाहती थी वो चाहिए था, और इसीलिए एजी बिटन एट वंस बाय 100 स्कॉर्पियो। ओथेलो इज टॉर्न बिटवीन टू पावरफुल पैशंस ऑफ लव एंड सस्पिशन। ओथेलो भी दो हिस्सों में बट गया था, एक उसको डेस्डिमोना से प्यार था और दूसरा तरफ उससे बहुत नफरत करता था, उसको उसके ऊपर डाउट था। लियर बिटवीन प्राइड एंड फिलियल इनग्रेटिट्यूड, उसको बहुत घमंड था और इनग्रेटिट्यूड बिहेवियर था। हेमलेट भी डिजायर फॉर रिवेंज एंड मॉरल स्क्रपल्स। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसके जो कैरेक्टर थे वो कन्फ्लिक्ट के कारण हारे हैं। अब हम शेक्सपियर की कॉमेडी की बात करें तो शेक्सपियर की जो कॉमेडी है उसका मेन थीम हुआ करता था लव एंड ब्यूटी।
ट्रेजेडी की हल्की फुल्की बात हुई इसके बारे में, और हम डिटेल बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कॉमेडी की। तो कॉमेडी में जब शेक्सपियर की बात करते हैं तो उसका मेन थीम होती है लव एंड ब्यूटी, लव एंड ब्यूटी, ये दो चीज देखेंगे। लव मेन थीम हुआ करती थी और ब्यूटी के कारण ये जो रोमांटिक हुआ करता था, हीरो हीरोइन के पेयर बनते थे। तो ध्यान रखना कि इनके इनकी मेन थीम में जो मेन चीज़ होती थी लव एंड ब्यूटी, इनका मेन हुआ करता था। तो लव एंड मैरिज ये हैं। तो द लव ऑफ ईच पेयर इज क्रॉस्ड एंड थॉवर्टेड बाय अ नंबर ऑफ हिंड्रेंस एंड एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। इसकी जो ट्रेजेडी है, जितनी भी कॉमेडी है वो सब हिंदी फिल्मों की तरह है, जिसमें सबसे पहले दो हीरो हीरोइन आपस में मिलते हैं, फिर बीच में विलन आ जाता है, उस चीज़ में बहुत सारी बाधाएं डालता है, लास्ट में विलन को हरा दिया जाता है और हीरो हीरोइन दोनों मिल जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। इस तरह इनका चलता है। अब यदि हम बात करें तो इसमें से ध्यान रखिएगा एज यू लाइक इट, ये पूछा जाता है कभी कभी, एज यू लाइक इट में फोर पेयर्स थे। ध्यान रखिएगा कितने पेयर्स थे, उनके नाम भी याद कर लीजिएगा। एज यू लाइक इट में फोर पेयर थे, मतलब चार जोड़े थे उसमें हीरो हीरोइन के। एक इसमें मेन हीरो हीरोइन होता, बाकी के उसका सब सपोर्टर हीरो हीरोइन होते हैं। फिर आ मिड समर्स नाइट ड्रीम, आ मिड समर्स नाइट ड्रीम, इसमें थ्री पेयर्स होते हैं, मतलब तीन हीरो हीरोइन हीरो हीरोइन के जोड़े होते हैं। एक और इसमें है ट्वेल्थ नाइट, ट्वेल्थ नाइट, इसमें भी तीन पेयर है, ध्यान रखिएगा इन दोनों में तीन तीन पेयर है। इसके बाद द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें दो पेयर है, और द टेम्पेस्ट, इसमें केवल एक ही पेयर होता है। तो ध्यान रखिएगा एज यू लाइक इट में फोर पेयर्स है इस कॉमेडी में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद रोमांटिक एटमॉस्फेयर रहता है इनकी जो रहती है, जैसे हम एज यू लाइक इट की बात करें तो टेक प्लेसेस इन द ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक फॉरेस्ट ऑफ गार्डन। तो एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन रहता है, ये एक काल्पनिक गार्डन है जो बहुत सुंदर बताया जाता है, जिसमें बहुत ही रोमांटिक जगह है जहाँ पर मज़ा आता है, मतलब सारे कपल्स को। तो एज यू लाइक इट, जैसा आप चाहते हैं, फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन किसमें है? तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन इज इन विच वर्क ऑफ शेक्सपियर इज प्रेजेंटेड, तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसमें है। तो ध्यान रखिएगा अ मिड समर्स नाइट ड्रीम इज अगेन अ पेस्टोरल, पेस्टोरल का मतलब ऐसा जिसमें कुछ हीरो या हीरोइन या कैरेक्टर जो गडरिए की तरह एक देहाती रोल करते हैं, देहाती लोगों के रूप में रोल करते हैं, पेस्टोरल वर्क होता है वो, है ना। इसके बाद ट्वेल्थ नाइट इज सेट इन द कंट्री ऑफ इलीरिया, तो ध्यान रखिएगा द ट्वेल्थ नाइट इसका फेमस जो है वो है भैया कंट्री ऑफ इलीरिया, कंट्री ऑफ इलीरिया, तो इसका और इसका ध्यान रखिएगा, दो चीज पूछी जा सकती है। फिर में रोल ऑफ वुमेन, तो रस्किन ने कहा था, जैसे मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जे रस्किन के बारे में जॉन रस्किन ने कहा था ये, और ये बहुत बार ये आया है, एग्जाम में भी आया है, प्लीज रिमेंबर इट, एग्जाम में आया है। क्या आया? शेक्सपियर हैज नो हीरोज, भैया ध्यान रखिएगा सभी लोग, शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ध्यान रखिएगा बहुत आईएमपी है, शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ही हैज ओनली हीरोइंस। शेक्सपियर के जो कॉमेडी है उसमें हीरो नहीं रहते बल्कि केवल हीरोइन ही होता है, मतलब वहां पर जो मेन रोल है शेक्सपियर की जितनी भी कॉमेडी उसमें हीरोइन का होता है, और यदि हम ट्रेजेडी की बात करें तो उसमें सबसे मेन रोल होता है वो हीरो का होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यदि बात करें तो इसकी जो मेन कैरेक्टर है एज यू लाइक इट की रोजालिंड है, इसकी मेन कैरेक्टर रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, पोर्शिया है,
किसमें है पोर्शिया, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसकी मेन जो हीरोइन है वो है पोर्शिया, इनकी हीरोइन उनका नाम याद रखिएगा रोजेलिन, इन एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, सॉरी द मर्चेंट ऑफ वेनिस में वायला, वायला और मिरिंडा है, द टेम्पेस्ट की हीरोइन है जो है मिरिंडा, प्रेस्पोरो की डॉटर, और हर्मिया अ मिडसमर्स नाइट, इसकी मेन हीरोइन की हम बात यदि करते हैं तो हर्मिया जो है वो मिडसमर नाइट में है, रोजेलिन जो कि आपको पता है मैंने आपको यूनिवर्सिटी विट्स में लिया था, वहाँ पर एक ऑथर थे यूनिवर्सिटी विट्स के जिन्होंने एक वर्क लिखा था रोजेलिन, और उसी से शेक्सपियर ने ये कैरेक्टर मेन कैरेक्टर बनाया था, बहुत बार मैंने रिपीट किया ध्यान रखिएगा। तो एज यू लाइक इट की रोजेलिन है, ठीक है ना, और ये वर्क भी बेस्ड है उनके वर्क के ऊपर, शायद थॉमस नेस थे वो। फिर अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, इसमें तीन पेयर्स है और इसकी मेन हीरोइन हर्मिया, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की वायोला और मिरिंडा द टेम्पेस्ट की हीरोइन है, ये आपको ध्यान रखेगा। और बिट्रिस करके ये भी हीरोइन है, इसका नाम पूछा गया है, मच एडो अबाउट नथिंग, जिसकी हीरोइन का नाम है बिट्रिस, तो ये ध्यान रखेगा, इन हीरोइन के नाम भी पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आता है, मैंने खुद फेस किया है, आपको बता दूँ, मैं सारी वही चीज़ें बता रहा हूँ जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जाम में मैंने फेस किया है, और जिस तरह मैंने प्रिपेयर किया वही चीज़ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिएगा फूल एक्चुअली क्या होता है, आप कोई सी फिल्म देख लो उसमें कोई ना कोई कॉमेडी का सीन करने के लिए या कॉमिक रिलीफ के लिए, कॉमिक रिलीफ मतलब थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए, लोगों को हल्का फुल्का बनाने के लिए सीरियस स्थिति से कुछ फूल होते हैं जिनको जेस्टर भी कहते हैं, या कुछ मजाकिया लोग जो होते हैं जो सिचुएशन को, जो गंभीर सिचुएशन को हल्का करते हैं तो उनको फूल या जेस्टर कहते हैं। तो इसमें टच स्टोन बहुत फेमस है, टच स्टोन, तो टच स्टोन किस में है, इन एज यू लाइक इट, इन एज यू लाइक इट, इसमें ध्यान रखिएगा, एज यू लाइक, जो एज यू लाइक इट है इसमें टच स्टोन जो फूल है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद टच स्टोन के बाद फिस्ट है, ये है ट्वेल्थ नाइट में, लेकिन कोई कभी पूछा नहीं है इनके बारे में, केवल एक टच स्टोन के बारे में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, कोई मतलब नहीं, ट्रिंकुलो ठीक है, ये नहीं है फिर इतना कोई मतलब का। अब हम शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्ले हैं जो बहुत फेमस रोल हुए हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, हिस्टोरिकल इनके जो प्ले हैं और उसकी हम बात करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं, लेकिन इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्स था जहाँ से इन्होंने लिया, केवल इससे एक ही क्वेश्चन बनता, वो था यहाँ से इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले के वर्क लिए हैं, राफेल्स, राफेल, हॉलिंस, राफेल हॉलिंसेड, राफेल हॉलिंसेड्स, राफेल हॉलिंसेड्स क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल क्रॉनिकल्स, सॉरी क्रो नो सी एच सी एच आर ओ क्रॉनिकल्स है ना, क्रॉनिकल्स ऑफ, ये नाम है उनका, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड, ये तीनों भाई भाई ये सब ध्यान रखना है, और कौन सा है, आयरलैंड, जिनको मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है ना, यदि अपन वेल्स को और मिला लेते हैं तो, नहीं तो ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड से बना था, और यदि इसी में वेल्स और मिला लेते हैं तो वो बन जाता आपका यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों को मिलाते हैं इन तीनों देशों को तो बनता है ग्रेट ब्रिटेन, और इसमें वेल्स और लगा लेते तो वो बन जाता यूनाइटेड किंगडम। तो डियर्स राफेल हॉलिंसेड के जो क्रॉनिकल्स थे, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो क्रॉनिकल्स थे, उन्होंने जो
लिखा था उसी से इन्होंने सारा अपना मटेरियल लिया है इनके हिस्टोरिकल प्ले का, सारा का सारा हिस्टोरिकल प्ले आपके ध्यान रखिएगा, इनके जो हिस्टोरिकल प्ले सॉरी वो इनके ऊपर बेस्ड है, हिस्टोरिकल प्ले किसके ऊपर बेस्ड है, इनके वर्क के ऊपर, बस इतना ध्यान रखना। रैफल हॉलिन शेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, बस ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको। दूसरा इनका जो एडवर्ड सेकेंड है वो मैंने आपको पहले बताया था कि मार्लो जो है क्रिस्टोफर मार्लो उनका जो एडवर्ड सेकेंड था उसी को भी इन्होंने रोल मॉडल बनाया रिचार्ड सेकेंड के लिए। जो इनका मार्लो का जो एडवर्ड सेकेंड था मैंने बता चुका हूँ भैया है ना, उसके पहले एडवर्ड सेकेंड जो था उसको रिचार्ड सेकेंड और थर्ड के लिए इन्होंने यूज़ किया है शेक्सपियर ने, रिचार्ड सेकेंड और थर्ड के लिए, ठीक है तो ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद शेक्सपियर के हम लास्ट प्ले की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो चार थे, वही एच ओ के एम हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। एच ओ के एम याद रखना, मैंने इसको हुक्म के नाम से याद किया था है ना। तो यहाँ हम के यदि बात करें तो द ड्रामेटिक रोमांसेस वर रिटन बाय शेक्सपियर इन द लास्ट फेज ऑफ हिज ड्रामेटिक करियर। ड्रामेटिक रोमांसेस लिखा था लेकिन बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो चुके थे यहाँ पर शेक्सपियर, और इन्होंने इस ये जितने भी वर्क इसमें बहुत फिलोसॉफिकल होने के साथ साथ इनके जो वर्क रहे लास्ट वाले उसमें थीम ऑफ रिकन्साइलेशन रहती है। मतलब लास्ट में क्या होता है इसमें लोग इंडियन फिल्मों की तरह सबसे पहले एक साथ रहते हैं, फिर बीच में विलन आते हैं जो इन सबको सेपरेटेड कर देते हैं, और लास्ट में वापस सब लोग मिल जाते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। तो रिकन्साइलेशन होता है, थीम ऑफ रिकन्साइलेशन रहता है, थीम ऑफ लॉस एंड फाइंडिंग होता है वही होता है, सबसे पहले साथ में रहते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, लॉस हो जाता है, लास्ट में फाइंडिंग हो जाती है। बात वो की वही है, फिलोसॉफिकल एलेगरी एंड सिम्बोलिज्म, इन्होंने बहुत ज़्यादा सिंबल वगैरह का यूज़ किया है ताकि जो मतलब ऑडियंस है उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यह एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था शेक्सपियर के बारे में, हम और स्टडी इसके बाद हम करेंगे। अभी आप इतना स्टडी करें आज के लिए, इसके बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव्स लगाइए और जितने ज़्यादा इनकी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। सबसे पहली चीज़ है इनके जितने भी फेमस वर्क है उनकी लाइनें याद करें जो आपको कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग को भी डेवलप करेगी, और साथ ही साथ इसका दूसरा फायदा आपको ये होगा कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा शेक्सपियर की लाइन्स आती हैं, पहला सबसे ज़्यादा इनके ये आता है, दूसरी चीज़ इनके कैरेक्टर्स आते हैं, तीसरी चीज़ इन्होंने सोर्स कहाँ से लिया ये चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चौथी चीज़ें इनकी सोनेट्स से आती है, हम सोनेट्स के बारे में पर्टिकुलर अलग से ही डिस्कस करेंगे, अभी आपको उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है सोनेट्स के बारे में, अभी केवल आप इनकी ट्रेजेडी जो मेन ट्रेजेडी एच ओ के एम हैमलेट किंग लियर मैकबेथ और ओथेलो इन चारों के आपको पढ़ना है। शॉर्ट में इनके बारे में समरी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जिसमें हेमलेट को सबसे अच्छे से पढ़िएगा, मोस्ट टाइम पे हेमलेट इन सारे में, तो आपको इनको स्टडी करना है। दूसरी चीज़ इनकी जो कॉमेडी है उन कॉमेडी में हम याद बात करें तो एज यू लाइक इट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मिड नाइट ड्रीम है उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से द टेम्पेस्ट पढ़ लेना है, और आपका ट्वेल्थ नाइट ये पढ़ लेना, और मर्चेंट इन वेनिस ये जो आपको पांच वर्क ये पढ़ना है। यदि हम इनकी बात करें हिस्टोरिकल प्ले तो इसमें हेनरी फोर्थ आपको जो है इसमें फॉल स्टाफ का रोल रहता है वो एक थोड़ा सा उसकी समरी पढ़ लीजिएगा हेनरी फोर्थ जो प्ले उसका। इसके बाद हम जाते हैं इनके सोनेट्स की, तो सोनेट्स के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, बाकी इनकी हल्की फुल्की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो शेक्सपियर के बारे में है तो वो, लेकिन मेन तो इनके जो वर्क्स है उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ठीक है, अब हम कल मिलते हैं, टाइमिंग आपको बता दूंगा कि वही 9:00 रहेगा कि इसके पहले तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं आ नहीं पाऊंगा यहाँ तक, तो 9 बजे तक हम वापस क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू यू, बाय।